तौर पर ऐसा बमुश्किल से देखने में आता होगा कि कांग्रेस के मंच से भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेसी सरपंच की तारीफ के साथ साथ अन्य युवाओं को प्रेरणा लेने की सिफारिश करते हों। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है धार जिले की ग्राम पंचायत कानवन में, जहां गत शनिवार को 5 करोड़ की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दतिगांव पहुंचे, जिन्होंने ग्राम पंचायत कानवन में टप्पा तहसील, आदर्श ग्राम पंचायत और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात जब मंत्री जी मंच पर पहुंचे तो उनके साथ क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह के अलावा भाजपा के पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह राठौर, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह सोलंकी, भाजपा के वरिष्ठ तथा बदनावर जनपद अध्यक्ष प्रकाश सावंत ने ना सिर्फ मंच पर नजर आए बल्कि युवा सरपंच भगवंत सिंह पटेल की तारीफ करते ना थके। यहां तक कि जनपद अध्यक्ष प्रकाश सावंत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर सरपंच भगवत सिंह पटेल और उनकी टीम को अपने पूरे भाषण में बार बार बधाई देते नजर आए। भाजपा के पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार तथा भाजपा कानवन मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह सोलंकी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर लगातार राजस्व मंत्री का पुष्पमालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताओं को देखकर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी अपने भाषण को बड़ा ही सोच समझकर बैलेंस करके दिया और कानवन के युवा सरपंच द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित हुए और सरपंच की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एकमात्र कानवन पंचायत एक ऐसी पंचायत है जो छिंदवाड़ा के मॉडल की तरह है। पंचायत भवन भोपाल के वल्लभ भवन से कम नहीं है। आपको बता दें कि कानवन के युवा सरपंच भगवत सिंह पटेल कट्टर कांग्रेसी कमल सिंह पटेल के पुत्र हैं, लेकिन समाज सेवी कार्यों की वजह से क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें भाजपा पार्टी के लोग भी अधिक पसंद करते हैं और उनके द्वारा ग्राम पंचायत कानवन में पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों में ग्राम पंचायत सचिव ईश्वर बोड़ाना का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जनता बल्कि विरोधी पार्टी के लोग भी बेहद खुश हैं। यही कारण है कि लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेतागण भी मंच से इस युवा सरपंच तथा ग्राम पंचायत की तारीफ करते हुए दिखे। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ साथ बड़ी संख्या में जनता मौजूद थी। धार से संवाददाता अमर वर्मा की है खास रिपोर्ट। काम करने के बाद वो क्या करता है कि आप लोगों ने देखा, हमने देखा, मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, जनपद पंचायत बदलाव की ओर से भाई भगवत को वही बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी की ओर से धन्यवाद भी देता हूँ। एक सच्चे जनप्रतिनिधि होने का दायित्व जो उन्होंने निभाया, मैं अपने ओर से, आप सभी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज निर्माण कार्य का हुए है, निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ। आज पर सर्वप्रथम तो मैं महाराणा प्रताप की जो एक ईश्वर की मूर्ति बनाई और उसका लोकार्पण आदरणीय हमारे राजस्व मंत्री साहब विधायक मुझे करेंगे, उसके पूर्व ही मैं आप लोगों को और जिन लोगों ने मूर्ति बनाने में लगाने में और जिन लोगों ने सहयोग दिया, मैं उनका हृदय का आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही यहाँ की जनता और क्षेत्र के लोगों से निवेदन करता हूँ कि स्टैचू तो कोई बनाएगा, कोई बनेगा, पर स्टैचू बनाने का और लगा उसका महत्व क्या रहता है? महत्व इसलिए, मैं तो एक सौभाग्यशाली हूँ जिसने, जिसकी दुकान के सामने भाई भगवत जी ने, पंचायत की टीम ने स्टैचू बनाया। वास्तविक धन्यवाद के पात्र हैं। लोगों को तो कहीं जाना पड़ेगा, मुझे उठकर महाराणा प्रताप के अगर दुकान जाऊंगा या ऑफिस में आऊंगा तो महाराणा प्रताप को नमस्कार करना का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए भाई भगवत जी को और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूँ। हो सकता है कि महाराणा प्रताप की जो स्टैचू बना है वास्तविक एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। इसको देखकर आदमी अगर कोई सच्चा, अगर देशभक्त है और सच्चा राष्ट्र और समाज भक्त है तो अगर गलत कदम भी रख रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा कि स्टैचू क्यों लगा है। स्टैचू हर अच्छा आदमी का लगता है और खराब व्यक्तियों का भी लगता है, पर खराब व्यक्तियों का स्टैचू याद ही नहीं चलता। वास्तविक महाराणा प्रताप का जो स्टैचू बना है हम सब के लिए एक
चिंतनीय विषय है कि हम उस मूर्ति को देखकर, उस स्टैचू को देखकर अगर गलत कदम भी रख रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हर वक्त पास में बैठने वाला व्यक्ति या साथी भी कोई गलत कदम उठा रहा तो इस मूर्ति को देखकर आप उसे रोक दीजिए कि वास्तव में आप गलत कर रहे हैं। अगर आप में सच्ची है, अगर योग्यता है और सच्चा बोलने का अधिकार है तो आप उस मूर्ति का सही मायने में पालन कर रहे हैं। रहा सवाल, कई बातें रखी और भाई भगवत जी ने मांग भी रखी, मैं उनकी मांग का सर्वप्रथम तो सम्मान भी और निवेदन भी करता हूँ आदरणीय मंत्री साहब से कि जायज मांग को आप जनता के सामने अगर घोषणा करेंगे तो एक बहुत अच्छी हो रहेगी और जनता को एक उत्साह बढ़ेगा। मैं पूर्ण यहाँ की जनता और आसपास के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप हर व्यक्ति इस मूर्ति का आने वाले टाइम में इस मूर्ति को देखकर अगर आप कहीं गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा विचार करें। ये मूर्ति भाई भगवत जी ने या इनकी टीम ने वास्तविक इसलिए लगाई है, स्टैचू कोई बने अगर गलत काम करने वाला व्यक्ति है तो उस स्टैचू को देख ले। कई मूर्तियां भी रहती है जो वास्तविक देखने के बाद भी आदमी सही मायने में गलत करता हो तो उसको अपने आप में सोचने के लिए बात धोना पड़े। मैं पूर्ण आप सभी की ओर से, अपनी ओर से भाई भगवत जी की टीम को जो यहाँ एक जो निर्माण कार्य हुआ है, विकास कार्य हुआ है उसको करने के लिए सही जनप्रतिनिधि का जो दायित्व भाई भगवत ने निभाया, इनकी टीम ने निभाया और जिन लोगों ने इनको सहयोग भी किया, क्योंकि काम करने वाला तो अच्छा रखता है, बाकी काम नहीं करने के लिए उसको रोकने वाला दोषी कहलाता है। अगर मैं जनपद देखूं, भाई भगवत जी मेरे कार्यकाल में तो हम साथ ही सरपंच और जनपद अध्यक्ष रहे, अगर मैं वास्तविक भगवत जी ने सच्चा जनप्रतिनिधि के दायित्व निभाया तो मैंने हमेशा सहयोग किया, भाई भगवत जी ने भी वो किया और हमने दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में एक जो भी आवश्यकता लगी भाई भगवत ने मेरे को बताया कि अपने को करना वास्तविक। और मैं आज निश्चित कह सकता हूँ कि जैसे भाई दशरथ जी अभी राजा प्रेम सिंह जी की बात कर रहे थे, मुझे उस आदमी पर कोई गर्व है, करीब 4-5 साल कांगमन है और कांगमन बस स्टैंड से बस स्टैंड पर कांगमन कमरे से नहीं आए, आप सभी लोगों को मालूम होगा, और कमरे पर बस स्टैंड पर आकर कभी उस आदमी ने अच्छी राजनीति नहीं की और वास्तविक वो परिवार के सदस्य के सामने जो अच्छे व्यक्ति होते थे उनको मानते थे। हम उनके पर चिन्हों पर चलकर या आज जो बैठे हैं और विकास कार्य के लिए सहयोग कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में ही चले। आज मैं पूर्ण आप सभी की ओर से पूर्ण आज जो मूर्ति का अनावरण किया गया है उसके लिए पूरे भगवत जी की पूरी टीम और मंच पर बैठे हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय राजा राजवर्धन सिंह जी और खासकर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कमल सिंह जी को पूरा श्रेय देते हुए ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम सब मिलकर इस क्षेत्र में जैसे विकास की आवश्यकता है मिलकर पूरा करेंगे। इसे आशा उम्मीद के साथ एक बात और रहेगी कि गौशाला कभी भूमि पूजन आज हुआ है तो गौशाला का भूमि पूजन भी हुआ है। मैं कांगवन के निवासियों से इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कांगवन के हाट की व्यवस्था और कांगवन का हाट आज की स्थिति में एक देश में या प्रदेश में जिस प्रकार प्रख्यात रहा है उसी प्रकार हम सभी मिलकर अपने धर्म को समझकर, अपने दायित्व को समझकर उस गौशाला को पूर्ण सहयोग करें। इसे आग्रह उम्मीद के साथ मैं पूर्ण भाई भगवत जी की टीम का और आप सभी ने बोलने का मौका दिया सुना और खासकर राजा प्रेम सिंह जी राजा राजवर्धन जी ने मुझे बोलने के लिए कहा, बोलने की इच्छा तो नहीं थी पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपके निवेदन आपके आदेश पर बोला, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।